आज हम बात करेंगे वेस्टीज के उस अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में जो कि आपको रिजल्ट देगा, जो कि आपके स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग सारे सॉल्यूशंस के साथ आपको मिलेगा। बट हाँ, ये जो मैं आपके साथ प्रोडक्ट डिस्कस करने वाली हूँ ना, ये सिर्फ 18 और 18 से ऊपर के ही लोग इस्तेमाल करेंगे। और बेस्ट पार्ट इसका ये है, मेल और फीमेल दोनों ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप एक महिला हो चाहे आप एक पुरुष हो, दोनों ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट इसका जो है, सो मैं बात करने जा रही हूँ स्किन फॉर्मूला 9 की। स्किन फॉर्मूला 9 हमारे वेस्टीज का ब्रांड है। वेस्टीज में मिलता है आपको स्किन फॉर्मूला 9, जिसके अंदर आपके स्किन के कंसर्न के अकॉर्डिंग सोल्यूशन मौजूद है। जो जो आपके कंसर्न्स हो, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी अभी, जिसमें मैं बताऊंगी आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है। ओके, सो अब मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, तो हम लोग इसके बाद डिस्कशन करेंगे आगे। तो चलिए, अभी मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही थी कि क्या क्या आप लोगों के साथ स्किन कंसर्न्स आते हैं। तो मोस्टली आप देख पा रहे हो कि यही कंसर्न्स होंगे, डलनेस हो जाती है चेहरे पे, एजिंग साइंस हो जाते हैं जैसे कि रिंकल्स और फाइन लाइंस, है ना। इसके साथ क्या प्रॉब्लम आती है हमें, डिहाइड्रेटेड, जो कह रहे थे ना रूखी त्वचा हो जाती है, सो डिहाइड्रेशन है इसका रीजन। फिर आते हैं ब्लेमिशेस। ब्लेमिशेस क्या होते हैं, पिंपल के निशान, चेहरे पे कोई भी अलग सा दाग धब्बा, वो भी ब्लेमिश कहलाता है। फिर इसके बाद आती है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन में हम मस्ते करो तो आशीर्वाद में भी यही सुनने को मिलता है कि तेरी अच्छी जॉब। तो यही सबसे ज्यादा कॉमन कंसर्न होते हैं जो हम फेस करते हैं एवरीडे लाइफ में। हम सभी के साथ इनमें से ही कंसर्न्स रहते हैं, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो। जो मैं आपके साथ आज सोल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ, ये आप दोनों पे एक सा ही वर्क करेगा, इक्वली वर्क करेगा। सो अब हम इसके सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि है हमारा स्किन फॉर्मूला 9 का डीप क्लींजिंग ऑयल। डीप क्लींजिंग ऑयल सुनते ही ऑयली स्किन वाले डरना मत कि भाई ये हमारे लिए नहीं है, ये हर एक स्किन टाइप के लिए प्रोडक्ट है। अगर आपकी स्किन पे ड्राइनेस रहती है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली रहती है, जिनके चेहरे पे रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, जिनके चेहरे पे पिंपल्स बहुत ज्यादा हैं, सभी पे ये एक सामान्य वर्क करने वाला है। ये जिनकी बहुत सेंसिटिव स्किन होती है ना, जो कहते हैं हम कुछ भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं हमारे चेहरे पे सूट नहीं होता, ये आपके चेहरे पे भी सूट होगा। आपके फेस वॉश की जगह करेंगे आप इसको इस्तेमाल, पहली चीज। दूसरा, क्या मदद क्या करेगा, पहले तो हम ये जाने। तो डीप क्लींजिंग ऑयल मदद करता है आपके चेहरे के जो पोर्स हैं उसको अच्छे से साफ करने का। हम जब मेकअप हटा लेते हैं, मेकअप हटाने के बाद चेहरा धोते हैं, चेहरा धोने के बाद भी आप जानते हो हमारे फेस में, हमारे पोर्स में कहीं ना कहीं मेकअप रह जाता है। या फिर हम बाहर से आते हैं, बाहर से आके हम अपने चेहरे को धोते जरूर हैं, बट तब भी हमारे चेहरे में कहीं ना कहीं पे रह जाती है गंदगी। सो डीप क्लींजिंग ऑयल मदद करता है हमारे फेस के पोर्स को अच्छे तरीके से रिफाइन करने का, अच्छे तरीके से उन्हें साफ करने की मदद करता है डीप क्लींजिंग ऑयल। इसको अगर मैं बात करूं ये बना किन चीजों से है, तो ये बना है एंडी रोबो ऑयल, कैस्टर सीड ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल और साथ ही साथ बेरी कॉम्प्लेक्स। ये एक कॉम्बिनेशन है ऑयल्स का और साथ ही साथ बेरीज का, जो आपके चेहरे को अच्छे तरीके से साफ करता है, आपके चेहरे पे हाइड्रेशन लाता है। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है उस पे ऑयल को बैलेंस करता है। इसका यूज करना किस तरह से है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगी। डीप क्लींजिंग ऑयल को आप यूज करोगे 1 से 1.5 पंप अपने हाथ में लेके, और उसके बाद इसको अपने चेहरे पे लगाएंगे, और चेहरे पे लगाने के बाद इसको हल्की सी मसाज करेंगे गीले हाथों के साथ। 30 सेकेंड मसाज करने के बाद इसे धो दीजिएगा और आपका चेहरा आपको खिलखिलाता मिलेगा। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, आपका स्किन ड्राई नहीं रहेगा। जिनकी बहुत ऑयली है, ऑयली नहीं रहेगी। जिनके चेहरे पे पिंपल्स की प्रॉब्लम है, पिंपल्स वालों के लिए भी ये पिंपल्स को कंट्रोल करने में मदद करेगा, क्योंकि सारे के सारे आपके फेस पे से जो भी बैक्टीरिया के कण है, मिट्टी के कण है, आपके पोर्स को अच्छे से क्लीन करने में मदद करेगा ये। तो ये तो बात हुई क्लींजिंग की।
क्लिंजिंग तो हमने कर ली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।